हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीएम यशस्वी प्रवेश परीक्षा के बारे में, जहां से आप जो है स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी स्कॉलरशिप। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल उसी के बारे में देखने वाले हैं कि आप लोग कैसे उसको दिला सकते हो एग्जाम उसके लिए और किस प्रकार से स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं। ये जो है इस तरीका से आएगा, आप लोग ये सर्च करके इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस पर देख लेते हैं एक नज़र इसके बारे में, किसके बारे में भाई, इसकी कंप्लीट की किस तारीख से आपका स्टार्ट हो गया। तो आपका जो आवेदन पत्र ऑनलाइन करना है आपको, ठीक है, ऑनलाइन आप लोग करवा सकते हैं। 11 तारीख से स्टार्ट हो गया, जो कि 10-8 मतलब 10 अगस्त तक का आपका रहेगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास मौका है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये आवेदन कब तक का होगा, 10 लास्ट डेट है। फिर आवेदन पत्र में पहले से भरे गए विवरण का अगर आपको कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में उसको चेंज करवा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं इसके शुल्क के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये स्कॉलरशिप टेस्ट दिलाना रहा तो आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, एनटीए की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र का प्रदर्शन जो है इसका कर दिया जाएगा। जब भी आप प्रवेश पत्र होगा तो उसके लिए एग्जाम डेट देख लो, एग्जाम आपका 29 सितंबर को होने वाला है। अगस्त के बाद आएगी सितंबर, तो सितंबर के लास्ट में होगा। तो पढ़ने के लिए आपके पास भी पर्याप्त टाइम है, इन टाइम में यूज करके आप अच्छा से अच्छा जो है स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है। आप लोगों को बहुत लोगों को पता चल भी गया होगा, ठीक है। फिर इसमें देखो पेपर जो होगा पेन पेपर मोड पर होगा, मतलब OMR पर होगा। जो गोला लगाने वाली हमारी काम होती थी इस तरीके से, वो गोला लगाने वाली है। और वस्तुनिष्ठ मतलब ये MCQ होने वाली है, इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम आप लोगों को हमेशा बोलते थे कि MCQs किया करो ताकि आपका आगे जाके हेल्प होगा। तो देखो वो आ ही गया आप लोगों के लिए कि अब आपको क्या करना है, MCQs पर वर्क करना है, ठीक है। पेपर में 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे की आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ लेते हैं और भी डिटेल देखेंगे कि सिलेबस क्या होने वाले, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से क्लास वाले लोग दिला सकते हैं, कंप्लीट डिटेल देखा जाएगा। तो आप लोग बस ध्यान से देखिए, वन बाय वन हम लोग सारी डिटेल्स जो है देखते चलते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर दो क्लास के बच्चे, 9th के बच्चे और 11th के बच्चे। आप 9th पढ़ रहे हो तब और 11th में आप कोई सभी स्ट्रीम लेकर अभी जो है 2023 पर पढ़ाई कर रहे हो, अभी जुलाई जो सेशन स्टार्ट हुआ है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो आप 9th और 11th पढ़ते हो तो, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं इसमें और भी डिटेल हम लोग नीचे कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सामान्य निर्देश है कुछ कुछ, जैसे कि यशस्वी योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए क्या है, एक परीक्षा। ये मतलब स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ और सिर्फ परीक्षा, जिसमें कक्षा 9वीं 11वीं में पढ़ने वाले OBC का देखेंगे, कास्ट भी ध्यान रखेंगे, वही बच्चे जो OBC से आते हैं, EBC से आते हैं और DNT से आते हैं, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, और इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और DNT जो घुमंतू जनजाति है वो लोग इन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीका से ये आप लोग कर सकते हैं। फिर इस पर देखो केवल 8/2023 में उपस्थित होने या उसमें अर्हता प्राप्त करने से अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पास हुए तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगा, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे आपकी मापदंड क्या होगा, मेरिट लिस्ट में रैंक कितना, क्योंकि रैंक लाया जाएगा कि किस रैंक तक का दिया जाएगा, ये कटअप उसमें घोषित किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने भी पास हो रहे हैं उसको, क्योंकि पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 35% अगर नंबर ले आए उसमें से, पूरे में से 150 देखेंगे कितना क्वेश्चन है, तो पूरे में से अगर 35% भी आप ले आते हो तो आप पास हो जाओगे, लेकिन यहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट नहीं होगा। आपको और भी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ, आपको ये सब चीज़ें जो कंप्लीट दस्तावेज वगैरह मेरिट लिस्ट में सूची, ये सब चीज़ फॉलो कर लोगे फिर आपको उस पर स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। तो और भी आगे देख लेते हैं, जैसे कि परीक्षा की पद्धति आप लोग को तो पता चल गया पहले से कि पेपर पेन मोड पर होगी, ऑनलाइन पे मतलब अप्लाई किए हो तो उसके लिए ऑनलाइन पेपर की तरह ही समझ के चलो उसको, सॉरी। फिर आप इसकी परीक्षा योजना के बारे में देख लेते, देखो जैसे कि आपको सब्जेक्ट क्या क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर गणित के 30 क्वेश्चन है, गणित पढ़ना है आपको, विज्ञान पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, और जो है सामान्य अभिनंद
अभिज्ञता और ज्ञान के लिए करना है। तो देखो यहाँ पर आती है बात कि 11वीं वालों को ले क्या है, 9वीं वालों को लेके, क्योंकि 11वीं में तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ सब्जेक्ट तो दिखने को नहीं मिलेगा, तब उनके लिए भी हम बताते हैं। बस अभी यह ध्यान रखते चलिए कि आपको इससे एक एक अंक मिलेगा, मतलब कुल जो है 100 नंबर, कुल 100 अंक का पेपर हो रहा है, ठीक है, जिसको आपको क्या करना रहेगा, दिलाना रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में सीधा सीधा आपका एक नंबर मिलेगा, तो इसमें अगर 35 नंबर भी ले आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, केवल एक ही सही उत्तर रहेगा, उसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप कोई से भी लिखो आपको कोई उससे दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। परीक्षा की तिथि वगैरह आप सब कुछ कर लिए आपको ये। फिर अर्हक अंक, मतलब अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में पास होने के लिए, उसमें उत्तीर्ण मानने के लिए आपको लगभग 35% करना पड़ेगा, तब जाके आप पास होंगे, लेकिन उसका मेरिट लिस्ट जो है कट ऑफ रैंक सूची जारी होगी, उसके बाद ही जो हो पाएगा कि किनको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। फिर ये आप दोनों माध्यम में होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों के बच्चे उसकी ये पेपर दिला सकते हैं, ठीक है। अब देखो पढ़ना क्या है, आपको सब्जेक्ट पता चल गया है ना, 9वीं वाले जो है कक्षा 8वीं का बुक पढ़ेंगे, वो भी एनसीईआरटी का, ठीक है, आप लोग देख लेंगे, एनसीईआरटी वाले हो तो अच्छी बात है। फिर 11वीं वाले भी 10वीं का, मतलब एक पीछे क्लास की बुक आपको पढ़ना पड़ेगा इन 1.5-2 महीने में, ठीक है, ताकि आप जो है अच्छे से आपका प्रिपेयर कर पाओ और एलिजिबल हो पाओ आप उसके स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी इस पर और भी डिटेल जो है देख लेते हैं, जैसे कि हाँ यहाँ पर बैठने की पात्रता है, तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि आवेदक को जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसे OBC या EBS ये मतलब श्रेणी भी होना चाहिए, टॉप क्लास स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए। तो ऐसे विद्यालयों की सूची आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका स्कूल का नाम है कि नहीं, आप लोग लिखोगे तो आ जाएगा, ये वेबसाइट जो आप ब्लू कलर पर देख रहे हैं उस पर देख सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि कक्षा 8वीं कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आपको पता है पहले से, और अभिभावक आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो इनकम है, आय है बोल सकते हैं, वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला, अगर आप लोग ध्यान दो, अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो तो आपका जन्म इनके बीच में होना चाहिए, मतलब 2007 से 2011 के बीच में ही होना चाहिए। उसी तरह हम लोग जो है 11वीं कक्षा के बच्चों की बात कर ले तो उनकी जन्म जो है 2005 से 2009 के बीच में होना चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल है, हैं, लड़की लड़कियां दोनों इसके लिए पात्रता रखते हैं, ये इसकी डिटेल है, क्लियर है, ये हो गया। और फिर इसकी जितना भी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डिटेल है ये आपको मिल जाएगा, किस तरीके से क्या क्या लगने वाली है, कंप्लीट ये डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। और एक काम कीजिए आप लोग, अगर आप लोग इसकी वीडियो चाहिए कि कैसे फॉर्म भरना है तो इस पर बना दिया जाएगा, बट ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग जो है च्वाइस सेंटर वगैरह किसी भी कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर में जाकर अपने फॉर्म भरा सकते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको बहुत सारा चीज़ें सब चीज़ करना पड़ेगा, देख सकते हो नीचे आपकी फ़ोटो वगैरह अपलोड होगी, UID अपलोड होगी, है ना, सब कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, इसलिए हस्ताक्षर वगैरह ये सब चीज़ लगेगा, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, श्रेणी प्रमाण पत्र भी लगेगा, तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा के रखिए, ठीक है, क्योंकि जातिगत ये हो रही है, क्लियर है। PWD वाले लोग अपना जो है प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है वो रेडी रखेंगे, तब जाके आपके लिए होगा, ठीक है, और मोबाइल नंबर वगैरह ये सब चीज़ लेके जाना पड़ेगा, तो आप लोग जा करके फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की बेनिफिट आपको मिलती रहे, ठीक है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।